अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रजा जावेद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रजा जावेद ऑफिशियल। आज रमजानुल मुबारक की पहली सहरी है और थोड़ी देर पहले मैं उठा हूं। यहां पर जो रोज़ा जो है वो स्टार्ट होगा वो 5:05 पर होगा और बस अभी जो मेरे से होगा मैं वो सहरी के लिए तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं चाय रखने लगा हूं। ये अब मैंने कैमरा रखा था और साथ पत्ती डालनी थी, लेकिन पत्ती जो है वो कैमरे से बिल्कुल उस तरफ जाके गिरी। अब उस कैमरे में दिखाने के लिए फिर मुझे थोड़ी और पत्ती डालनी पड़ी ये, और फिर जो है थोड़ी सी लस्सी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने दूध थोड़ा सा डाला, थोड़ा तो नहीं खैर, क्योंकि अब यहाँ पर मैं डाल बहुत ज़्यादा रहा हूँ लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए मुझे दूध भी काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ा, जो कि मुझे लगता है बाद में काफ़ी मुश्किल से पूरा होगा, पीने नहीं होगा मुझसे। और फिर दही डाल लेते हैं, दही भी थोड़ा सा बाहर गिरा। मतलब आज की सहरी में कोई काम मेरे से पूरा जो है अच्छे से सीधा हुआ नहीं, ये हो गया। और फिर जो है आप इसको करते हैं हम मिक्स। ये काम चलो ठीक हो गया क्योंकि इसमें मैंने कोई चीज़ गिरानी नहीं थी, तो चलो जो है मिक्स जो है वो आसानी से हो गया। लस्सी तो मैं अच्छी बना लेता हूँ, मैं पिछले रमज़ान में भी वो कोशिश करके काफ़ी अच्छी बना लेता था। अच्छा, फिर आ जाता है जी हमारा पराठा, लेकिन पराठा खुश्क सूट नहीं करता, तो इसलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी सौगात में से डालेंगे जो है देसी घी। और फिर जो है चाय के बिना तो हमारी सहरी जो मुकम्मल नहीं होती, तो अब आगे एंड में चाय। तो सहरी तो मैंने अपनी बना ली है, और एक तो मतलब सहरी का एक ये थोड़ा सा होता है कि खासतौर पर पहली सहरी का कि जैसे आपको बिल्कुल लगता है कि आप आधी रात को उठ के कुछ खा रहे हैं, तो भूख नहीं लगती और ऊपर से आँख नहीं खुलती। तो अब जो है वो मैंने जो कुछ बनाया हुआ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो पहले तो मैंने पराठा बनाया था और ऊपर जो है देसी घी डाल दिया, लेकिन फिर मैंने कहा वो तो खाया नहीं जाएगा, तो मैंने उसके लिए जो है चूरी बना दी कि इसमें चलो थोड़ी बच्ची नीचे डालते तो खाने में आसानी हो जाती है। उसके साथ तो नॉर्मल चाय, चाय के साथ खाना है ये। और फिर साथ जो है मैंने लस्सी बना ली, लेकिन ये भी मीठी है क्योंकि नमकीन लस्सी जो है मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये तो हो गई मेरी सहरी, और अभी मैं इसको खाऊंगा और फिर जो है खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो अब खाना शुरू करते हैं जी। तो जनाब, सहरी तो मैंने कर ली है और अब मैं जो है दांत ब्रश करने जाऊँगा, क्योंकि अब जो है रोज़ा जो है स्टार्ट होने में, अज़ान होने में सिर्फ मेरे ख्याल से 10 मिनट बाकी हैं। तो अब जो है मैं पहले दांत साफ़ करूँगा और फिर जो है वुज़ू वगैरह करूँगा, तो फिर जो है मैं आपसे आके दोबारा मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है रोज़ा तो अल्लाह खैर करे शुरू हो गया, और अब अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह अच्छे से गुजर भी जाएगा। वैसे भी यहाँ पर तो माशाल्लाह मौसम ऐसा है कि रोज़े का तो आपको पता भी नहीं चलता, मतलब रोज़ा करना भी हो तो पूरा दिन तो मैं मतलब बल्कि पानी पीने की याद ही नहीं रहती, और ना कभी प्यास फील हुई है। ये रोज़ा जो है सही पता चलता है एक बार हमारे कंट्रीज़ में, जब रोज़ा रखने के 3-4 घंटों बाद ही आपको ऐसी प्यास लगती है जैसे पता नहीं, और जब देखो कि अभी 8-1 घंटे बाकी रहते हैं, 8-10 घंटे, तो सही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से रोज़ा गुजर जाता है। तो बस अभी अफ्तारी होगी शाम को 8:30 बजे तकरीबन, 8:25-26 मिनट पे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तो आपके साथ जो है अफ्तारी भी शेयर की जाए। तो मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी याद रखूँगा, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपका और मेरा और हम सब का ये रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुजरे। तो मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।